हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मोटिवेशनल किंग। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आप जो न्यू वीडियोस हैं वो देख सकें। यहाँ पे हमारे अंकल जी बैठे हुए हैं, उनकी भी राय जान लेते हैं क्या क्या है। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। आपका नाम क्या है? क्या चीज़ें ये हम जानना चाह रहे हैं कि एक जागरूक व्यक्ति को किस आधार पर वोट करने चाहिए? तो दिल्ली में भी इलेक्शन हो रहे हैं, एक जागरूक व्यक्ति होता है उसे किस आधार पर वोट करने चाहिए? देश के विकास के लिए। देश के विकास के लिए, और देश के विकास के लिए करने चाहिए। और आपको क्या लगता है कौन सी गवर्नमेंट आएगी? मोदी। मोदी मोदी क्यों आएगी? मोदी जैसा नेता ही नहीं हुआ। ना हुआ ना हुआ ना हुआ ना हुआ ना हुआ हो भी नहीं सकता। हो भी नहीं सकता, कोशिश करेगा तब भी नहीं हो सकता। और कुछ कहना चाहेंगे आप? अजी और कुछ कहने मोदी है जी, मोदी है। हमारी सीलिंग हो गई, हमारा नुकसान हो गया, फिर भी मोदी है। जीएसटी हुई, बिजनेस का नुकसान हुआ, फिर भी मोदी। हमारे काम ठप हो गए सारे, सीलिंग लगी पड़ी है पर फिर भी मोदी। सीलिंग लग गई दुकान में, फिर भी मोदी। यहाँ पे आप अंकल जी को देख सकते हैं, वो कह रहे हैं सीलिंग लग गई कोई बात नहीं लेकिन फिर भी मोदी। मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। और भी हमारे भाई बैठे हैं यहाँ पे, भाई का भी डाल लेते हैं। नमस्कार भाई, क्या नाम है आपका? मनोज। मनोज, तो एक जागरूक व्यक्ति को किस आधार पर वोट करने चाहिए? देश के विकास के लिए। देश के विकास के लिए, तो देश आप पहले। देश पहले है। और आपको क्या लगता है कि किस आधार पर वोट करने चाहिए एक जागरूक व्यक्ति? देश के विकास के लिए। देश के लिए करने चाहिए। और गवर्नमेंट को निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। क्या? निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति का निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए, लालच में नहीं आना चाहिए। लालच में नहीं आना चाहिए, वही कहा है आपने। और आपके अनुमान से क्या लगता है आपको कि कौन सी गवर्नमेंट आएगी? मोदी की आएगी। मोदी की आएगी 100% मोदी आएगी। यहाँ पे 100% कह रहे हैं मोदी आएगी। हमारे ये भाई बैठे हैं और उनके पीछे भी बैठे हैं अंकल जी भी बैठे हैं, और उनके पीछे अंकल जी भी बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि ओनली मोदी मोदी आएंगे। और हमारे एक भाई बैठे हैं, आपका नाम क्या है? दीपक गुप्ता। थोड़ा तेज बोले आप। दीपक गुप्ता। दीपक गुप्ता, एक जागरूक व्यक्ति को किस आधार पर वोट करने चाहिए? देश के विकास के लिए जो भी अच्छे काम हो रहे हैं उनको देखते हुए। देश के विकास के लिए जो भी अच्छे काम हो रहे हैं उनको देखते हुए। और आपके हिसाब से कौन सी सरकार आएगी? मोदी आएगा। मोदी डेफिनेटली। यहाँ पे हमारे दो भाई बैठे हैं, वो भी कह रहे हैं मोदी। अंकल जी बैठे हैं, वो भी मोदी कह रहे हैं। और एक और भाई यहाँ पे बैठे हैं, वो भी मोदी कह रहे हैं। और उनके पीछे भी अंकल जी बैठे हैं, वो भी यही राय है। यही राय, वो भी यही कह रहे हैं। यही राय जी, इन सबकी राय वही मेरी राय जी। सबसे पहले सबसे पहले जी। और जो जो लोग आपको देख रहे हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? सब मोदी मोदी सब कह रहे हैं। मोदी को ही वोट देना चाहिए, मोदी को ही वोट देना चाहिए। और यहाँ पे अंकल जी की तो जो फैक्ट्री है जो भी है वो सील हो चुकी है, वही पड़ी है जी। पर फिर भी मोदी है जी, थोड़ा कम में गुजारा कर लेंगे। पर मोदी जो हमारा देश अब तक कर पा रहा है, जो अब तक विकास हुआ वो आठ नंबर पर मोदी ही ऊपर ले गया देश को। और देश की वैल्यू बनी आज पूरे वर्ल्ड में, वो सब मोदी की। तो यहाँ पे हमारे अंकल जी बैठे हैं, आपने उनकी बातें सुनी होंगी। कह रहे हैं जब इनकी जो फैक्ट्री है वो सील हो चुकी है, उसके बावजूद भी ये मोदी के साथ है, तो फिर आप लोग किनके साथ हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन व्यक्ति सही कह रहा है। और अंकल जी आप कुछ कहना चाहेंगे? देश का विकास देश मोदी ने किया, वो कुछ नहीं कर सकता अजी। मोदी हमारे देश सबसे ऊपर आ चुका आज इस टाइम, मतलब बहुत बढ़िया तरक्की हो रही है जी। देश की नाम ज़्यादा हो रहा है जी। मसूद अजहर पे बैन लगा नया नया, तो वो सबसे बड़ी जीत हुई है हमारी। पाकिस्तान जो बम की धमकी दे रहा, न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहा, उसकी हवा निकल चुकी है। मोदी के कारण ही हुआ, मोदी के कारण हुआ है। मोदी का कारण हुआ जो 70 साल में नहीं हुआ वो हुआ। तो यहाँ पे हमारे अंकल जी थे, भाई थे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।